तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। माता रानी के ठीक सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं और ये माता रानी हैं, माँ वैष्णो देवी, और ये सिंह पे सवार हैं और उसके ठीक नीचे इनका माँ देवी का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी वीडियो के जरिए, ये वैष्णो देवी के मंदिर का अंदर का दृश्य है और इधर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है और ऊपर आप देख रहे हो माँ वैष्णो देवी साक्षात दर्शन दे रहे हैं हमें, जो कि शेर पर सवार होके माता वैष्णो हम लोगों को दर्शन दे रही हैं। काफ़ी मनमोहक, काफ़ी भव्य दर्शन है माता वैष्णो के, और यहाँ पर काफ़ी भक्तजन है जो कि माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, शाम का टाइम है दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौसम है और तो दोस्तों अभी हम लोग माँ वैष्णो देवी के मंदिर में हैं और यहाँ पे कुछ भाई हैं, कुछ दीदी हैं जो कि यहाँ पे हमारा मंदिर यानी कि हमारा ब्रज घूमने के लिए, मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं, यहाँ के अनुभव के बारे में, कुछ आनंद के बारे में जानते हैं। तो भैया जी, जय माता दी। जय माता दी। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? आशीष ठाकुर। आशीष, तो कहाँ से आए हो आप? हम लोग आए हैं राउरकेला, उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हुए, तो यहाँ पे पहली बार आए हो हमारे मथुरा? जी, फर्स्ट टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम आए हो, तो यहाँ पे कैसा लगा हमारा मथुरा? बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे सारा मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, खास करके ये माता जी का मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत आकर्षित कर रहा है, दिल को छू रहा जाएगा। और सबसे अच्छा मंदिर यहाँ के लगा नाइट व्यू जो है प्रेम मंदिर, प्रेम बहुत ही, मतलब बहुत ही प्यारा दिख रहा है मंदिर यहाँ का। और जैसे बाकी बिहारी का मंदिर, मतलब लगभग सारी मंदिर बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, लेकिन खास करके ज़्यादा जो दिल को जो छूती है वो है प्रेम मंदिर। अभी आपने बहुत सारे मंदिर हैं जो कि अभी देखे नहीं, शायद निधि वन है और भी बहुत सारे मंदिर हैं, सारे मैंने घूम लिया। तो जैसे कि सुनते हैं लोग जो ब्रज से बाहर हैं, वो लोग सुनते हैं कि ब्रज में आनंद है, रस है, तो उसका अनुभव? जी सजी, पूरा सच्चाई की बात है, ब्रज में आने का पूरा आनंद ही आनंद है यहाँ का। ऑडियंस तो देखना चाहेंगे, अपने उड़ीसा वालों के बोलिए कि कुछ वो यहाँ पे आए, उस आनंद का अनुभव करें, आपको जो कैसा लगा? मेरे ख्याल से देखो, जो भी उड़ीसा वाले राउरकेला वाले यहाँ पे एक बार विजिट करें, यहाँ पे आए और यहाँ पे ब्रजवासी के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट करें। यहाँ के जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनी है। तो आप ये देख रहे हो, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, माता रानी के ठीक सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं और ये माता रानी हैं, माँ वैष्णो देवी, और ये सिंह पे सवार हैं और उसके ठीक नीचे इनका माँ देवी का मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर के अभी हम लोग दर्शन करेंगे, अंदर चलेंगे अभी। दोस्तों जैसे ही हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो आपका लेफ्ट साइड में यमुना माता के दर्शन आपको हो रहे हैं, यमुना महारानी के। अभी हम लोग चलते हैं आगे। अभी हम लोग आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और माता देवी के दर्शन, कितना आनंद बरस रहा है दोस्तों, देख रहे हो माता रानी के दरबार में आके, माता वैष्णो के दरबार में आके कितना आनंद फील हो रहा है हम लोगों को। यहाँ पे आकर के एक अलग सी शांति सुकून हमको को महसूस होता है। तो जो भी दोस्तों मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक बार माता रानी के दर्शन में ज़रूर आइएगा। आप देख रहे हो कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है, बाकी मैं आपको अंदर से ले चल रहा हूँ, दिखाऊंगा पूरा संपूर्ण दृश्य, आपको दर्शन कराऊँगा माता रानी के। लोग बहुत दूर दूर से बोल सकते हैं कि पूरे देश विदेश से यहाँ पे मतलब वृंदावन के लिए घूमने के लिए आते हैं, और वृंदावन का ये मनमोहक दृश्य देख के अपने आप को उनका मन धन हो जाता है। तो दोस्त वीडियो में देख सकते हो, हमारे वीडियो के जरिए माता वैष्णो जी के दर्शन कर रहे हैं हम। बोलिए जय माता दी, सभी भक्त बोलिए मिलके जय माता दी। तो दोस्तों आप देख रहे हो सिंह पे सवार माता वैष्णो का ये दिव्य स्वरूप दर्शन देख के मन धन्य हो गया। दोस्तों अभी हम लोग माता वैष्णो के देवी माता के मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पे कुछ दीदियाँ मिली हैं, तो उनसे बात करते हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, यहाँ के अनुभव के बारे में उनसे जानते हैं। तो दीदी जय माता दी। जय माता दी। तो दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि के। तो आप कहाँ से आए हो? मैं हम लोग जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आए हो, झांसी से आए? नहीं, जबलपुर से। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में।
तो एमपी से आए हुए हैं, तो यहाँ पे मथुरा में पहली बार आए हैं, उससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं तो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं यहाँ का जो आनंद है, बोलते हैं कि ब्रज में रस है, आनंद है, वो आपको फील हुआ यहाँ के? कुछ आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नहीं, बाकी मैं यहाँ पे मतलब खो से जाते हैं कृष्ण की भक्ति में, कुछ तो है, मतलब आपको आनंद फील हुआ? हाँ, हाँ, जो बोलते हैं लोग ब्रज की आनंद फील होता है यहाँ पे। आपने ब्रज भ्रमण किया, मथुरा वृंदावन हमारा देखा, और शायद नंदगांव बरसाना भी गए होंगे? नहीं गए अभी नंदगांव? नहीं नहीं, अभी हमने वृंदावन जाएगा, वहाँ भी ऐसे ही जैसे यहाँ पे ब्रज बरसाना ऐसे वहाँ पे आपको देखने का। दोस्तों आप देख रहे हो माता वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर हैं हम लोग, और चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है, और उस आनंद को सभी लोग महसूस कर रहे हैं। और हमने काफ़ी लोगों से पूछा उस आनंद के बारे में, तो लोगों का कहना यही है कि आनंद को केवल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो ब्रज के अंदर जो हमें यहाँ पे आनंद जो देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों जो भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल करके एक बार मथुरा वृंदावन भ्रमण कीजिएगा, एक बार घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आपको सभी देवताओं के, ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको, और साथ में राधा रानी के दर्शन आपको देखने को मिलते हैं।